अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को पद्मधर पार्क में आयुष मेले का आयोजन किया गया। आयुष विभाग एवं शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा आयोजित यह मेला प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगा। मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया। भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रातः 10:45 पर इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या कहा है। सुशासन दिवस के रूप में आयुष मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है जन सेवा और आरोग्य सेवा। इस अवसर पर मंच में विराजमान हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य जी, कुलश्रेष्ठ जी, हमारे सभी महाविद्यालय से संबंधित हमारे प्रशिक्षण करते हमारे डॉक्टर उपस्थित भाइयों, सुशासन दिवस के रूप में आयुष मेला का चयन हमने किया है। और मैं जब ये बोर्ड देख रहा था तो हर तरह के जो मर्ज हैं उनकी सारी चीज़ों का प्रदर्शन हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो इतनी मजबूत पद्धत रही हो किसी को योगी बनाने के लिए, किसी भी मर्ज को जड़ से खत्म करने की ताकत किसी में है तो आयुष पद्धत है। बाकी पद्धतियों में तो तत्कालिक लाभ मिलता है, पर कई बार हम देखते हैं कि उसका रिएक्शन भी होता है। परंतु हमारी पुरानी पद्धति जो है इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, जो कुछ है एक्शन। सबसे पुरानी पद्धति यही है। रामायण काल में भी औषध का वर्णन है। यदि सुखेन वैद्य का जिक्र होता है, लक्ष्मण के कोमा में जाने को वापस करने की पद्धति इसी में है। हमारी चूक कहां हुई उसको समझना पड़ेगा। हमारी चूक हुई कि हमारी विद्या को हमने अंतर्मुखी कर दिया। हमारा जो अनुसंधान है, जो हमारा परिणाम है, आगे की तरफ जानकारी भी नहीं है, इसीलिए उसके साथ ही हमारी विद्या विलुप्त हो गई। आज जब हम देखते हैं उन पद्धतियों को देखते हुए, आज कहा जाता है कि किसी का हाथ कट जाए तो जोड़ने की ताकत है, चिकित्सा पद्धति में है। और उस काल में जब शंकर जी ने उनका सर काटा, फिर दूसरे जीव का जोड़ करके जिंदा कर दिया, ये पद्धति हमारे पास। और ये चूक हमने सिर्फ इसलिए की कि हम अपनी पद्धति पर विश्वास नहीं कर पाए और आम जन को विश्वास दिला नहीं पाए। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ, अमरकंटक से लेकर के चित्रकूट तक, हमारे अमृत रूपी पौधे हैं। पूरे देश के भीतर यदि खोज हुई है तो आप जरा देखेंगे, सोम बल्लरी का पौधा यही पाया जाता, शायद दूसरी जगह नहीं पाया जाता।